पप्पू बैंक में पैसा जमा करिए सर, और वो बैंक सुरक्षित है दुनिया के। जितना वो बैंक में पैसा जमा होगा उससे 20% हम जनता के लिए, आम आदमी गरीब के लिए करेंगे। इंटरेस्ट भी हम देंगे, बीज ब्याज भी हम, सूद भी हम। नेता लोग ही भगवान का दोस्त है सब। तो फिर भैया आप देखिएगा ना, पूजा तो आंतरिक होता है, बाह्य तो होता नहीं। हम घर में भी बैठ के कर सकते हैं। अभी नेता के तरफ 28 करोड़ का गांधी जयंती मनाइएगा, 2200 रुपये का एक आदमी को खाना 5 स्टार से खिलाइएगा, तो 2200 रुपये में जोड़ लीजिए कितना दूध पानी हो सकता था, कछुआ हो सकता था, और 28 करोड़ में हम क्या कर सकते थे। कहीं ना कहीं सर मौका भी मिल गया है लोगों को अपनी श्रद्धा दिखाने का। अगर भगवान से प्यार है, भगवान को खुश करना चाहते, तो इस जनता को भी तो सेवा करना जरूरी है ना भैया। भगवान को खुश करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। माँ को बच्चा खुश करेगा, बच्चा मुस्कुराती है तो माँ मुस्कुराती है। बच्चे भगवान जिन चीज़ों को बनाया है वो खुश रहती है तो सब कुछ खुश रहता है, ये समझिए। राष्ट्रवाद और धर्म की बात बार बार होती है इस देश में, चुनाव जब आते हैं तो जर्मनी से राष्ट्रवाद शुरू हुआ था, यहाँ तो राष्ट्रवाद नहीं है, जनता की सेवा करना और जनता के समय में पहुंचे। नहीं, ये मानवतावाद है, ये इंसानियतवाद है। आगे बढ़े साहब, तो देख सकते हैं इनका अपना राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है, जी अगर जनता की सेवा कर रहे हैं, मानवतावाद है, यही राष्ट्रवाद है, यही सब कुछ है। क्योंकि सच बात है, अब अगर खाली पेट में, आप जो कहा जाता है कि भजन भी नहीं होता है, खाली पेट में राष्ट्रवाद का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है किसी देश में। और वैसे भी जब अगर कोई देश आज़ाद हो तो वहाँ राष्ट्रवाद का कोई नेचुरल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मगर आज जिस तरह से जनता के बीच मौजूद हैं, एकमात्र चेहरा है जो कि पटना के टीवी हो या फिर मीडिया जगत हो, चाहे ब्लैकआउट कर दीजिए या जो भी कीजिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं पप्पू यादव को, कि पप्पू यादव आपके आस पास आपके चेहरे के बीच में घूम रहे हैं और इस शहर की एक पहचान बन गए हैं। लोग फेसबुक पर अपनी डीपीज बदल रहे हैं, व्हाट्सएप पर लगा रहे हैं, किसी पर ये पप्पू बैंक में सब पैसा जाएगा, पप्पू बैंक में पैसा जमा करिए सब, और वो बैंक सुरक्षित है दुनिया के लिए। जितना वो बैंक में पैसा जमा होगा उससे 20% हम जनता के लिए, आम आदमी गरीब के लिए करेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट भी हम देंगे, बीज ब्याज भी हम, सूद भी हम। बिहार सरकार ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया अकाउंट नंबर की मदद करने के लिए, वहाँ नहीं डाले पैसा। बिहार सरकार को अकाउंट नंबर, वो सब नेता वो लोग तो सब कौन मालिश करने के लिए चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और कहाँ, ये लोग तो मजे लेगा, पूरा बाल बच्चा को देगा बिहार सरकार। नेता को पैसा देना चाहिए, चोर सबको पागले हैं क्या? चलिए सब इस पूरा देश का भरोसा पप्पू बैंक पर है, ही कर रहे हैं, चलिए मदद 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 कितना 50,000 है, चलिए ये परिवार है, ये परिवार और रिश्तेदार है हमारे, समझे? बताओ डब्लू कुमार मुकेश डब्लू बाबू, चलो लीजिए भैया बैंक में जमा कर। कारवां चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, जो है सामने है तस्वीरें आपकी, लोग अपने इच्छा अनुसार, ऑब्वियसली है 7 दिन हो चुका है, हर किसी व्यक्ति की एक क्षमता होती है, एक एक आधार होता है, उस आधार के आगे कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं। अब जिस तरह से लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, छोटी बच्चियां हों या बुज़ुर्ग हों, या ये कह रहे हैं इनके कार्यकर्ता हैं मगर उन्हें अपना परिवार का हिस्सा बता रहे हैं, और ये भी दावा कर रहे हैं कि वो जो पैसा दिए हैं उसका उपयोग इसी सब चीज़ों में अब होगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 8167 00। धन्यवाद।